बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गाइस रात ना इतना मैच ना मुझे जितना रात ना अफगानिस्तान से जीतने पर खुशी हुई है, लेकिन मुझे अफगानिस्तान से ये उम्मीद नहीं, नमक हराम निकले हैं अफगानिस्तान, ऐसी उम्मीद ही मैं नहीं कर रहा था इनसे। क्योंकि देखें ना कि हमने हर मौके पर इनकी मदद की है, हर कुछ किया। इन्होंने एहसान तो एहसान याद करना, इन्हें तो तमीज़ ही नहीं है। इन्होंने जो रात बदतमीजी की है ना आसिफ अली के साथ, मैं तो कहता हूँ आसिफ अली ना इसके मुंह पे एक बल्ला रख के मारता, जो होता देखा जाता बाद में। लेकिन ये अच्छा नहीं किया अफगानिस्तान वालों ने, मुझे इनसे उम्मीद ये नहीं थी नहीं थी नहीं थी। बट सो जो हुआ अच्छा हुआ, नसीम शाह ने बड़ा कस के इनको जवाब दिया है। अब वो ना बहुत तेज हो रहा है। दफा पाकिस्तान से टकराने से पहले ना 100 दफ़ा अफगानिस्तान सोचेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। पर गाइस नसीम शाह ने जो किया है ना रात, दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया। एक एक मोड़ पे मुझे ऐसा लगा जैसे ना 9 आउट हो गया ना, मैंने कहा मैच गया। उधर से अपना इंडिया वाले कह रहे थे कि हमें चांस मिल गया, पाकिस्तान हार गया, अफगानिस्तान ये मैच जीत गया है, इंडिया को चांस मिल जाएगा, रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अफगानिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे, पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये किया वो किया। लेकिन जब नसीम शाह का पहला छक्का पड़ा है ना, तो इंडिया वाले के जो कमेंटेटर थे ना, उनकी तो बोलती ही बंद होगी। उसके बाद जब दूसरा छक्का लगा ना, तो वो फिर समझो ख़त्म ही हो गए, निस्तो नबूद ही हो गए। तो मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को मुबारक देता हूँ कि पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया। श्रीलंका वास्ते पाकिस्तान एक मैच कल होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान और श्रीलंका का वो आप प्रैक्टिस मैच समझ सकते हैं। उसके बाद फाइनल है संडे वाले दिन। तो गाइस तैयार रहना, आपने कहीं जाना नहीं हो, फटाफट हमारे चैनल के साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ पीधी सी घंटी होगी उसको भी दबा लिया करें। और मैं जा रहा हूँ गाइस अब ना ज़रा यहाँ भट्टे चौक पर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ। सो गाइस सबसे पहले ना मैं अपने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने ना अंदर से अपना वॉलेट उठाना है, वो उठा के फिर चलते हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि मैं भट्टे चौक पर क्या करने जा रहा हूँ। आ रहे हैं मैं। सो गाइस ये ना हमारे वॉशरूम का एक दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा वॉशरूम का दरवाज़ा है। इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये इसके एंगल खड़ा है, और ये इतनी सी जगह ना ये टूट गई है, ये आप देखें ये इतना एंगल टूट गया। अब वो मिस्त्री को मैं उठाने जा रहा हूँ, तो पता करते हैं कि यहाँ कोई एंगल लग जाए ना इतनी, तो ये दरवाज़ा ज़रा सेट हो जाए। दरवाजा खोल। अब मालिक कह रहे मौसम की स्प्रे की थी ना, हैं? तो प्रेशर तो दिखा आवाम नू, पुराने जमाने से पंपा आवाम नू केरी ट्राई या के ओ मछली लिया। सही है सही है। हाँ जी दोस्तों, आवा पहले जी होंदी सी ना हथियां वाली मशीन, साढ़े को भी काफी सार रह गई आ, ते माशाल्लाह इन्हां दे प्रेशर भी ठीक आ। मोटर दा वे इन्ना ही होंदा, बस मोटर दी ए सहूलत हो जांदी है कि हाथ नहीं मारना पैंदा, ए अपने आप ही चलदी रहंदी आ। सो गाइस मैं लेके आया हूँ जी बोतल, शापरे काट लीजिए, फ्रिज देखिए कि जगह है या नहीं है, हैगी जगह ते इत्थे पता हराम ही हो बेटा, रख लीजिए जी बोतल रख के ते ए बंद कर दीजिए फ्रिज बंद। ओ असगर नहीं, असगर हैगा अपना साहबान वाला, ते जे सानू साहबान दे दवाई दे जांदा वा, वो आ रहा ते जरा बोतल लेके मैं उन्होंने पिलानी थी, मिस्त्री ने साथ के लिए ना दरवाजा दिखाना, वो भी आ रहे हैं, मैं चलो उन्होंने भी पिला देने हैं, फिर इस वजह तो बोतल सुबह सुबह लेनी पै गई।
गाइस एक तो मैं आ मंजा वेल्ड कराया जो तुम सामने देख रहे हो, दूसरा वो जरा दरवाजा नहीं जरा कलेजी करा देखो वो वेल्ड कराया, जरा साड़ा ए वॉशरूम का दरवाजा वा ये नहीं बन सकता कहते पला खत्म हो गया तुसी होर नवा दरवाजा ते दूसरी सारी बैठक वाली खिड़की आ वे कब्जा टूटा सी वो कराया, यानी कि तीन एक दो तीन तीन चीजा वेल्ड कराया वा ये चार कोने करवाए दरवाजे दे ते मैं उन्होंने छड़ के शॉप से हमने आया तो मैं उसको पूछा भी सर जी की तुम्हारा जुर्माना या की तुम्हारा पैसे पड़े, तो उन्होंने कहा जी 500 रुपया, हालांकि बिजली सारी मेरी सड़ी आ, उन्होंने चार तो पांच राट सड़े आ लेकिन उन्होंने 500 किया 500 देता वा ते आधे ब्लॉग का कर दें अख्ताम क्योंकि मैं जरा कल गोट में रहा थोड़ा जहा समान लेना कर दस वह रात 12 बजे सुता मैच मूच देख के काफ़ी थके पे हाँ जरा थोड़ा रेस्ट करिए आज ही रात अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया उधर कोई भी जीते सानू कोई फर्क नहीं पैंदा लेकिन कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका समझो एक किस्म का प्रैक्टिस मैच है तो मैं इजाजत इंशाल्लाह मिलेंगे नवे फ्रेश व्लॉग के नाल अनदर व्लॉग के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नाल घंटी के बटन दबा दो, मैं तो इजाजत से ज़्यादा दूसरी फैमिली चैनल सब सब ऐसे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना मिले, मैं तो इजाजत अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़ बाय बाय।